यानी मेरा शक बिल्कुल सही था। निहार जी को फंसाने के लिए तुमने ये सब नाटक किया ना अमृता? मुझे और निहार जी को अलग करना चाहती थी ना तुम? लेकिन एक बार फिर तुम्हारा खेल शुरू होने से पहले मैंने खत्म कर दिया, और इस बार मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन घसीट कर लेकर जाऊंगी अमृता। ये जो वीडियो है ना तुम्हारा, अमृता तुम घर में रहकर आराम करो, मुझे वकील साहब को मिलने जाना है। ये वीडियो मैं पूरे इंटरनेट पर वायरल करूंगी। जिस तरह तुमने मेरे निहार जी को बदनाम किया है ना, ठीक उसी तरह मैं तुम्हें बदनाम करूंगी। नहीं अमृता, फोन छोड़ो। रुचिता फोन छोड़ो। अमृता रुको, शांति मॉम को फोन करो जल्दी। अब कहाँ जाओगी, कहाँ तक भागोगी? बताओ ना कहाँ तक भागोगी? आज मैं तुम्हारा भांडा फोड़ के रहूंगी अमृता, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आप समझी? अमृता ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? रुचिता ठीक तो है ना? क्या करूं? काका बोलो क्या बात है? काका 2 मिनट के लिए फोन देंगे प्लीज, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे रुचिता को फोन करना है। माफ करना बेटा, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। रिलैक्स निहार, तू भी उल्टा सीधा सोच रहा है। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है ना तो उसे यकीन नहीं होता, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा सोच लेता। रुचिता ठीक ही होगी। निहार के बिना कैसे तड़प रही है बेचारी। अमृता मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओके। बेवकूफ समझा है क्या, जो ऐसे ही छोड़ दूंगी तुम्हें? क्या करना चाहती हो तुम? चली गई थी तो वापस क्यों आई? मैं गई नहीं थी रुचिता, तुम लोगों ने मुझे यहाँ से धक्का मार के बाहर निकाला था, और अब उसी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ मैं। अमृता मेरी बात सुनो, तुम निहार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम उनसे प्यार करती थी ना, करती थी ना तुम उनसे प्यार, फिर उनके सर पे ये खूनी का इल्जाम कैसे लगवा सकती? बताओ, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम पुलिस के पास जाके बता दो कि निहार जी ने कुछ भी नहीं किया है, और उनके सर से प्लीज़ ये इल्ज़ाम हटवा दो। मैं जानती हूँ कि मीरा जी ये केस वापस लेके निहार जी को जेल से तो निकलवा देंगे, लेकिन उनके सर से ये खूनी का दाग वो पूरी जिंदगी नहीं हटेगा। अमृता तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित करने का ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास, और निहार जी तो अभी भी तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें घर लेके आए थे, तो तुम निहार जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अमृता? तुम सही कह रही हो रुचिता, मुझे पुलिस के पास जाके सब सच बता देना चाहिए, हाँ, ताकि वो लोग निहार को जेल से निकाल दे। हाँ
और मुझे जेल में डालते हैं। नहीं अमृता, तुम जेल नहीं जाओगे, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। चुप। बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन लिया मैंने, अब तुम मेरी बात सुनोगी। तुम्हारा और निहार का तलाक तो हो चुका है, लेकिन तुम इस गलत फैमिली में मत रहना कि मेरी मॉम ये केस वापस ले लेगी, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। इनफैक्ट वो तो निहार को मेरे कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद या फांसी की सजा तो जरूर दिलाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मीरा जी ने मुझसे वादा किया था कि वो निहार जी को जेल से छुड़वाएंगे, उन्होंने मुझसे। हाँ, तो वो कौन सा हरिश्चंद्र की बहन है जो अपना वादा निभाएंगी? अमृता, ये बहुत गलत है। गलत तो तुमने और निहार ने किया था मेरे साथ रुचिता, और अब मैं वो सही करूंगी, निहार को फांसी दिला के और तुम्हें विधवा बना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें विधवा बनाने का कोई फायदा नहीं है, जहां भी जाओगी मनुष्यत फैलाओगी। इससे बेहतर तो यही होगा कि तुम्हें निहार के साथ ही मार देते, दोनों पति पत्नी मिलके स्वर्ग में, एक्चुअली नहीं, नर्क में जाके अपना हनीमून बनाना, क्योंकि यहां तो मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है अमृता, तुम मुझे और निहार जी को मार के बच जाओगी? कानून की अदालत में बच सकती हो तुम, लेकिन भगवान की अदालत से कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। उनकी लाठी आवाज नहीं करती है, लेकिन जब पड़ती है ना, तो दुनिया का हर कोना कम पड़ जाता है छुपने के लिए। इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ ना? जब यहाँ पड़े पड़े सांसें बंद हो जाएगी ना, तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। गुड बाय रचिता। नहीं अमृता, 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 प्लीज मुझे यहाँ से निकल। क्या करूँ मैं, कैसे निकलूँ यहाँ से मैं? निहार को तलाक के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, मैं उसे वहां संभालने गया था, लेकिन वो तो वहां खुश है, उम्मीद लगा के बैठा है कि रुचिता उसे छुड़वाने वाली है। रुचिता ने उसे कुछ रिलीज पेपर्स भी साइन करवाए। रिलीज पेपर? रुचिता ने हमारे सामने इतना तमाशा किया और निहार से कुछ नहीं कहा? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने निहार को सच बता दिया तो वो इन पेपर्स पे कभी साइन नहीं करेगा, इसलिए उसने झूठ बोलकर साइन करवाया। नहीं पूना,